आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई, आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। जिसका साया है सारे आलम पर, बिन तेरे आसमां नहीं कोई। ये पिता है जिसके हम पालक शासन हैं, ये परम पिता है शासन, तो हम इसके बच्चे हैं। तो सासंगत कितनी बड़ी सी रहमत है, अब सासंगत हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम इसकी महिमा को, इसके सासंगत के गुण को, इसकी बढ़ियाई को, सासंगत जितना हम इसका ध्यान करेंगे, इसका सेवन करेंगे, उतनी उतनी सासंगत हमें खुशी मिलती जाएगी। बाबा अवतार सिंह कह रहे कि संसार लड़ाइयां झगड़े दंगे अते फसादा का यह संसार भय नाल भरिया, चीखां ते फरियादां दा। तो संसार की हालत को आप देख ही रहे हो, और इस संसार के बीच में आप कितनी गिनती है महापुरुषों के साथ, बहुत कम गिनती है संसार में। अगर ये सारा संसार सासंगतारी हो जाता तो सासंगत फिर तो कोई बात नहीं थी, राम राज हो जाता, फिर तो सासंगत किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो और सासंग कृपा करो, कितनी रहमत है इसकी। तो हमने सासंग इसकी बड़ियाई करनी है, उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलते हर हर गाइए। और जिसको मिल जाता है शासन, उसको फिर वो कह उठता है किधर देखता हो तू हिंदू है, हर शहर में जलवा तेरा हो तो है। वो शासन इसको हर टाइम अवसर समझता है, दूर नहीं समझता। तो शासन तो उसको फिर संसार के दुख अब आप देख ही रहे थे कि सासंगत अपने अपने विचार महात्माओं ने कहे, तो दुखों की बात कर रहे थे गुरु जी। तो सासंगत ये दुख है, सासंगत अगर इसकी रजा में रहे तो दुख भी दुख नहीं देता सासंगत। और संसार में तो लिखा है महात्माओं ने कि कुछ तन दुखी कुछ मन दुखी कुछ धन से रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। शासन की दुख तो है, पर शासन जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान के जरिए दुख को काटता है। शासन तुलसी संसार में सुख दुख सबको है, पर ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। वो शासन इसकी परिभाषा जानता है, गुरु से वो गुरु वाला होता है। वो कहता है सच्चे पातशाह अगर दुख है तो तेरा है, सुख है तो तेरा है, अगर नुकसान है तो वो भी तेरा है, अगर फायदा है वो भी तेरा है। तो शासन फिर जब वो सब कुछ इसका समझ लेता है तो वो दुखी नहीं होता, इसीलिए शासन को उनको सुखी माना गया है। और संसार की तरफ देखो, अगर थोड़ी सी भी कठिनाई आ जाए, दुख आ जाए, तो वो ढोरा पीटता है शासन, पता नहीं क्या क्या परमात्मा से शिकवे के लिए करता है। तो कहने का भाव क्या है कि जिसको ये मिल जाता है शासन, उसको सबर आ जाता है, उसको संतोष आ जाता है। शासन सबर से चोला होवे तेरा एक सहारा रहे,
साधु रह के दुनिया अंदर वान कमल दे जा रहा है। अब आप देखते हो कि कमल का फूल होता है वो पानी में होता है, कीचड़ में होता है, आप सभी देखते हो तो वो कितना सुंदर होता है। तो जब उसके बीच में शासन वो पानी की छलने आती है तो उसको कितने शासन झटके लगते हैं उस पानी के बीच में, कभी डूबता है, कभी शासन इधर होता है, कभी इधर होता है, तो वो शासन उसको भी फूल को भी शासन कितने झटके लगते हैं, तो वो भी अपनी जगह फिर कायम रहता है। तो और शासक यहाँ हमें सदगुण लेकर सबर शांति ते संतुष्टि संत जनादा कहना है। शासन ये इसके कहने हैं, ये अपने कहने जो है शासक ये सदगुण के दिए हुए कहने पहनता है, तो शासन इसको तत्ती आज नहीं आती, ये शुरू शुरू रहता है शासन। तो कृपा करो, रहमत करो, दुख तो शासन बड़े से बड़ा है, ऋषि मुनियों को भी शासन भोगना पड़ा, द्वापर युग का समा है और शासन का अर्जुन का बेटा भी मनु है, वो एक शासन एक चक्रियों के घेरे में आ गया और वो शासन उसकी मृत्यु हो गई, मारा गया। अब शासन की अर्जुन ने अपना बेटा उठाया, अभिमन्यु को उठाया और श्री कृष्ण के चरणों में जा रख दिया और रोने लग गया, ये सच्चे पातशाह इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा, आप त्रिलोकी नाथ हो इसको जिंदा कर दो। अब श्री कृष्ण देख के दंग रह गया कि इतना बड़ा ज्ञानी इसका विश्वास कैसे डमाडोल हो गया और ये बातें कैसी करा है, क्योंकि बाबा अवतार सिंह भी लिख रहे हैं कि दुख सुख देश चक्कर अंदर हर कोई चक्रांदा है, कहता है कितना बड़ा भी ज्ञानी है वो भी चकरा जाता है, सुख में भी चकरा जाता है, अगर ज्यादा धन हो तो शासन वो भी चकरा जाता है, परमात्मा को नहीं पहचानता, और जिसके घर में दुख हो वो भी चकरा जाता है, शासन परमात्मा भूल जाता है। अब शासन भी रोने लग गया, मत्था टेका, सच्चे पातशाह कृपा करो, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, कितना बड़ा दुख है शासन, बेटे की लाश है गुरु के चरणों में। तो श्री कृष्ण कहने लगे इनको कुछ समझाने का तरीका बताना पड़ेगा, मन में विचार लगाया कि अगर मैंने रह के उसको जवाब दे दिया तो कहेगा ये तो इतना पूर्ण सदगुरु है इसने कैसे जवाब दे दिया, इसका मन टूट जाएगा। अब वो कुछ तरीका उसने अपनाया समझाने का, सोने का करमंडल पड़ा था तो अर्जुन से कहने लगा, अर्जुन ऐसे करो ये सरोवर में से करमंडल भर के ले आओ पानी का। अब शासन तो अर्जुन उठा, करमंडल उठाया और सरोवर में से पानी लेने के लिए भाग पड़ा। उसने सोचा कि शायद पानी से मेरा मनु बन जाएगा। अब शासन तो वहां गया, वो करमंडल पानी का भर ले आया, अब श्री कृष्ण के पास रख दिया, कहने लगा जो महाराज ये पानी का करमंडल भर ले आया हूं, आप इसको जिंदा कर दो। अब शासन श्री कृष्ण कहने लगे कि आप इसको जिंदा करना चाहते हो, कहते हैं सच्चे पातशाह इसके बाद में नहीं रह सकता, आप इसको जिंदा करो। तो कहने लगे ये जो करमंडल पानी का भर के लाए हो, ये पानी का करमंडल उसी सरोवर में गिरा के आओ। अब फिर सच्चे पातशाह ने एक तरीका, अर्जुन कहने लगे कि सच्चे पातशाह ठीक है, फिर अर्जुन कहने लगे कि कोई ना कोई तरीका निकाल रहे हैं सतगुरु इनको बचाने का,
भाग्य वो करमंडल था के शासन प्रोहर मिला, फिर वो गिराया है। अब खाली करमंडल यहाँ के सतगुरु के चरणों में रख दिया, कह लगा ये सच्चे पातशाह ये करमंडल जो पानी गिराया हो अब इसको जिंदा करो। अब शासन श्री कृष्ण जी कहने लगे कि अब ऐसे करो जो पानी आप इस करमंडल का गिरा के आए हो सरोवर में वो ही पानी निकाल कर लेके आओ। अब शासक जब इतनी बात कही तो अर्जुन शासक जी कहने लगा सच्चे पातशाह ऐसे समय में आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो शासक श्री कृष्ण बोलने लगे, कहने लगे अर्जुन मजाक मैं नहीं कर रहा, मजाक तू मेरे साथ कर रहा है। जब वो ही पानी करमंडल वाला द्रोण में से वो ही पानी करमंडल वाला नहीं लेके आ सकते तो अब हम मनियों की एक छोटी सी बूंद है और इतने बड़े सागर समंदर में इंदिरा काल में समा गई, उसको मैं कहां से ढूंढ के जाऊं। जब श्री कृष्ण ने इतनी बात कही तो शासन ने चरणों में गिर गए कि सच्चे पातशाह मेरे को सोच ही आ गई है। तो श्री कृष्ण कहने लगे नहीं सोच नहीं आई, अब ये दुख का पर्दा हटा है, आओ शासन कृपा करो रहमत करो। तो फिर मान गए कि वाकया तू तो मरा हुआ भी जिंदा हुआ है, ये तो शासन तो इसका नियम है। तो शासन पाव अवतार से भी कह रहे कि दुख सुख देश चक्कर अंदर हर कोई चक्करांदा है, तो कहने का भाव क्या है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन्होंने शासन इसके साथ प्रेम किया इसका पता लग गया, उनको समर आ गया छिदक आ गया कि दुख क्या है सुख क्या है, वो शासन में तो परिभाषा जानते हैं। तो रहमत करो कृपा करो आपके ऊपर सतगुरु की कृपा है, आप जानते हो कि दुख क्या होता है सुख क्या होता है। तो अगर कल भी ये महात्मा कह रहे थे कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, एक झलकी उन्होंने दिखाई कि हम कहते हैं कि हमारे घर में दुख भी होता है किसी टाइम माया भी नहीं होती, तो महात्मा कह रहे हैं कि हम संगत में जाके क्या करेंगे, ये दुख था ये तो दूर हुआ ही नहीं, हमारे घर में माया ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तो सच्चे पातशाह ने वहां कह रहे हैं कि चाहे दुख है चाहे भूख है गुरु से किसका शुक्राना करता है, इसका शुक्र शुक्र करता है, शुक्र शुक्र करे सरबदा खुशहाली या तकिए कड़ी सुहानी बीत रही आवे की सो चली, ये समझ के इस संसार में गुरु से विचरण करता है। तो कृपा करो रहमत करो सच्चे पातशाह हम आपके बच्चे हैं, अनेकों भूलें हमारे में होती हैं, हम तो भूल बगाड़ है ना कर मैला चित सहर पकौड़ा लोगे नफर पकाने के तो। सच्चे पातशाह उनका लुदु जीव है, मारे से जो गलतियां भूले होती हैं, आप परमेश्वर हो निराकार हो आप अनंत हो अथाह हो आप फिर भी दयालु हो कृपालु हो, हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना, जो आपने हमें सेवा सिमरन सत्संग बख्शी है ये अंत समय तक हम आपकी तोड़ जाए आपके चरणों के साथ प्यार से कहना।